अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो पिछला लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने ओवर पॉपुलेशन, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसकी वर्ड्स मीनिंग को देखा था, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम लोग ओवर पॉपुलेशन जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। जो इसके कुछ बाकी चैप्टर्स की निस्बत इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो थोड़े बहुत चेंजिंग है, क्योंकि इसके आंसर्स जो हैं वो आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, आपके चैप्टर के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से आज के लेक्चर को जो है वो देखिएगा और स्टार्ट से एंड तक वीडियो को जो है वो स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ हैज़ वर्ल्ड चेंज फ्रॉम द पास्ट। पिछले वक्तों से अब तक दुनिया कैसे चेंज हो चुकी है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड दुनिया बदल गई है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस रिसर्च एंड न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। दुनिया कैसे बदल गई है, द वर्ल्ड हैज़ चेंज ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस रिसर्च एंड इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। दुनिया जो है वो जदीद इन्वेंशंस, रिसर्च और जो हमारी एडवांस हो रही है साइंस, उसकी वजह से जो है वो बदल गई है। आंसर नंबर टू है हमारे पास, क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज आर फेसिंग ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन। हम आजकल जो है वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है वो कौन कौन से चीज़ों को झेल रहे हैं, कौन कौन सी नतायज जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन वी आर फेसिंग shortage of basic necessities like food, water and shelter, also there is increase in poverty and poverty and unemployment. ठीक है जी। ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है हम लोग शॉर्टेज ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ को फेस कर रहे हैं, जैसे फूड, वाटर और शेल्टर। ऑल्सो जो है वो पॉवर्टी भी इंक्रीज़ हो गई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी, पॉवर्टी गरीबी को कहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट काम ना मिलना। अक्सर लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, उनकी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर वी पल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट। हम हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से पल्यूट कर रहे हैं।
तो इसके तो बहुत सारे तरीके हैं, रीजंस है जिसकी, जिस तरह से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहे हैं. जैसे हम लोग जो है वो व्हीकल्स जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो है स्मोक जो है वो इन्वायरमेंट में जा रहा है, फैक्ट्रीज का स्मोक है, और भी बहुत सारी चीज़ों से जो है वो पल्यूट हो रही है. आंसर नंबर 3 है स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज सीवेज वाटर केमिकल फर्टिलाइजर्स ईटीसी आर पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी को किस तरह से कम किया जा सकता है. एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, टू ऑल इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट रोल कैन वी प्ले टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन, हम ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए कैसे रोल अदा कर सकते हैं. तो इसका आंसर है हमारे पास जेंडर इक्वालिटी शुड बी प्रमोटेड एंड फैमिली मेंबर्स Family members should talk about their new generation. By proper family planning. ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास हमारा आंसर नंबर 5. इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर होता है हमारा ख़त्म. इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम लोगों ने ओवर पॉपुलेशन के कुछ कॉजेज़ देखे थे, उसके बाद फिर ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या इश्यूज़ आते हैं उनको डिस्कस किया था. तो उसके साथ आज हम लोगों ने जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स को किया. इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.